मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो मैंने वर्कआउट कर लिया है और आप देख सकते हो मुझे, बिकॉज आज बिना पंखे के मैंने वर्कआउट किया है। और जो है देखो, बिना पंखे के वर्कआउट करने से कितना पसीना आता है, लाइक टोटली डेड। आई एम टोटली डेड टुडे, क्योंकि आज अपर बॉडी का था और अपर बॉडी और लोअर बॉडी में मेरी बहुत बैंड बजती है, विद डंबल्स के साथ ही किया था। तो अब मैं लास्ट वर्कआउट करूँगी जो है 20 मिनट्स एब्स का होगा, तो फिर मैं फ्री हो जाऊँगी वर्कआउट से। और उसके बाद जो है मैं क्लीनिंग पे लगूँगी, क्लीनिंग उसके बाद फिर नहाऊँगी, फ्रेश होंगी। और ऑफ कोर्स ये टी शर्ट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पसीना हो गया, इससे मैं काम नहीं कर सकती, नहीं तो सर्दी गर्मी लग जाएगा। बस वैसे भी वेदर जो है अच्छा नहीं है। सो जितना पसीना आता है उतना फेस पे आपके ग्लो होगा। जागो डन विथ पूजा। और जो है मैंने आज रेड कलर की साड़ी पहनी थी, पहनी हुई है। मैंने पहले पिंक पहन रही थी, फिर मम्मी ने मुझसे कहा, मेरी माँ ने कहा मुझसे कि वो पिंक नहीं, सॉरी मैं ग्रीन पहन रही थी, ग्रीन। सो माँ ने मुझसे कहा कि ग्रीन मत पहन आज, मतलब नवरात्रों में पूजा करिए तो रेड और पिंक पहन। तो अभी है, तो अभी मैं खा रही हूँ फ्रूट्स, ऐसे ही मैंने, इट्स ओके। आ चुकी हूँ और अब मैं फेस वॉश करूँगी, धोऊँगी अपना प्लम ग्रीन टी वाला जो फेस वॉश है उसी से। सो उसके बाद मैं सीरम लगाऊँगी। अपने मन में बातें मत रखो, मैं अपने मन में बातें बिल्कुल नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स, चाहे वो कितनी भी बड़ी बात हो और चाहे वो कितनी भी छोटी बात हो। मैं जिस जिस से कनेक्टेड होती हूँ उनके साथ मैं मतलब सीधा तरीके से बोल देती हूँ। मैं थोड़ी मुफट टाइप की हूँ, अब तो बहुत कम हो गया है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा था, मैं कुछ भी बोल देती थी कुछ भी। तो अब मैं थोड़ा सा सही हुई हूँ, लेकिन हाँ अभी भी मुफट हूँ। वो तो ब्लॉग में नहीं आ सकता कि मैं मुफट किस तरह से हूँ, लेकिन मैं मतलब ऐसा कुछ बोल देती हूँ कि लोगों को बुरा लग जाता है सामने वाले को। मतलब ये मेरे घर में भी होता है और बाहर भी होता है, तो क्या करूँ, ये मेरे अंदर है चीज़ें, तो ये कमी ही है मेरे अंदर कि मैं मुफट हूँ। मुफट नहीं होना चाहिए कहते हैं, मेरी मम्मी कहती है कि प्यार से बोलो जो बोलना है, लेकिन मुफट पना से मत बोलो, क्योंकि फिर लोगों को बुरा लग जाता है, और लोगों को बुरा लगता है तो उनके मन में भी दुख होता है, दुखी होते हैं वो लोग। तो मैं किसी को दुखी क्यों दूँ, पर हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लियर करना ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ें क्लियर कर सकते हो आप दोस्तों। सो जब डाउट होता है तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये ब्लॉग जो मैं एंड कर दूँ, आज के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया और बहुत बोर किया मैंने आप लोगों को अपनी बातों से। तो मेरा भाई कहता है कि तू अपना ज्ञान मत झाड़, तू ज्ञानी पंडित है, पिछले जन्म में ज़रूर मैं ज्ञानी पंडित रही हूँगी, इसीलिए मैं ज्ञान बांटती रहती हूँ सबको। तो आनी आओ फ्रेंड्स, मैं आप रखती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग खुश रहो, प्यार बांटो, और नवरात्रि चल रहा है, खूब सारा प्रेयर करो ताकि पूरी जो पूरा जो हमारा देश है, पूरा वर्ल्ड है, वो सब खुशी खुशी बीते, सबके घर में खुशियाँ हो, सबके घर में खुशियाँ हो, एक एक के घर में खुशियाँ हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, आप जितना प्रे करोगे दूसरों के लिए उतना आपको भगवान प्रेज अपने ब्लेसिंग्स में रखेंगे।
अपने आशीर्वाद में रखेंगे। तो इसलिए लोगों के लिए जितना हो सके प्रे करो दोस्तों। हम अपने लिए तो करते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं, हम क्योंकि देखो सब सभी स्वार्थी हैं, मैं भी खुद भी स्वार्थ हूँ, ऐसा नहीं है किसी के अंदर स्वार्थ नहीं है, मेरे अंदर भी स्वार्थ है, सबके अंदर स्वार्थ होता है, लेकिन हम थोड़ा टाइम तो लोगों के लिए निकाल सकते हैं ना, कि जितने भी हमारे पूरे विश्व में लोग हैं उनके हर घर में खुशियाँ हो और माता रानी जो है उन सारे घरों में ब्लेसिंग्स मर्सी भर भर के अपना दें माता रानी, और खुश रहें सब लोग। बस यही दुआ मैं करती हूँ माता रानी से, यही प्रे करती हूँ। आप लोग वही करो, आपको भी अच्छा लगेगा। हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं, प्रेज करते ना, तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। करके ज़रूर देखना, एक बार नहीं 10 बार करना। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा ढेर सारा प्यार, और जो है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन गुड नाइट, टाटा बाय बाय।